Assalamu alaikum students, I'm Ahmed Saeed. Today I'm going to discuss about isotopes. That is very important topic in first year chemistry. ये topic examination point of view से बहुत important है. Students, इसमें हम लोग पहले तो इसकी definition, examples और इसकी कुछ properties discuss करेंगे और इस topic के इख्तिताम पे मैं आप लोगों को वो questions बताऊँगा जो कि board के exam के अंदर बहुत ज़्यादा repetitively आते हैं. उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करवा लें कि आइसोटोप है क्या. स्टूडेंट्स, इस आइसोटोप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि इन द हिस्ट्री ऑफ एटम हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में. डाल्टन ने अपनी थ्योरी में ये कंसिडर किया था कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग देयर मैसेस. जॉन डाल्टन ने ये कंसीडर किया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बाद में सूडी ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया. सूडी ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया. वो कहते हैं ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट सेम. बेसिकली एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मैसेस, दे मे बी डिफरेंट ड्यू टू देयर मैसेस. और वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो मैस के ऊपर डिपेंड करती हैं, लाइक डेंसिटी है या अदर उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन एट्सेट्रा, ये चीज़ें हैं ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो मैस के ऊपर डिफर करती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं आइसोटोप की, फिर इसके लिहाज से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल्स और दैन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. तो फिर जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको यहाँ कोट कर दूंगा. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. तो डेफिनेशन में हम कोट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि सूडी ने ये बताया कि एटम्स ऑफ एलिमेंट आर नॉट सेम, बेसिकली दीज आर डिफरेंट. तो हम यहाँ ये बात डिस्कस करते हैं एटम्स ऑफ, अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से अगर हम कर लें, डिफरेंट एटम्स, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा. डिफरेंट एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक मास, दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट different atomic mass. Atomic mass, atoms of same element, किसी एक ही element के different atoms जिनका atomic number same होता है but उनका mass number different होता है, ऐसे atoms of elements को हम isotopes कहते हैं. Example देखते हैं. Students, मेरे पास ना ये carbon है, कार्बन का एक मेरे पास ये एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है. एक अदर एटम लेता हूँ, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है. एक और मैं एटम लेता हूँ, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है. देखिए, मैंने तीन एटम्स लिए हैं, इन तीनों एटम्स का एटॉमिक नंबर 6 है. ये जो हम नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं ये एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ सुपर स्क्रिप्ट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दैट इज एटॉमिक मास नंबर. इसका एटॉमिक मास नंबर 12 है, इसका एटॉमिक मास नंबर 13 है, इसका एटॉमिक मास नंबर 14 है. तो किसी एक ही एलिमेंट के, देखें ये एक ही एलिमेंट कार्बन है, उसके थ्री डिफरेंट एटम्स हैं. एक का एटॉमिक नंबर 6, अदर का भी एटॉमिक नंबर 6 एंड थर्ड का भी एटॉमिक नंबर 6, बट इसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है. तो ये हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी एग्जाम्पल हम कोट कर चुके हैं कि जैसे भी हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं उनके मास नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर जो है उनके सेम है.
हाइड्रोजन के एग्जांपल कोट करते हैं, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, बट इसका मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। जो एटॉमिक नंबर 1 वाला आइसोटोप है इसको हम कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। जो एटॉमिक मास नंबर 2 वाला आइसोटोप है इसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं, ड्यूट्रियम। और जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर 3 वाला आइसोटोप है इसको हम ट्रिटियम कहते हैं, ट्रिटियम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे हम आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आइसोटोप्स की सेम होती हैं। सेम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, जो प्रॉपर्टीज सेम है तो हम कहते हैं इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तमाम आइसोटोप का, किसी भी एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम। इसी तरह एटॉमिक नंबर चूंकि सेम है, एंड यू नो एटॉमिक नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी सेम होते हैं, तो सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे किसी एक एलिमेंट के आइसोटोप्स के अंदर। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन चूंकि सेम होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी सेम होंगे। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आइसोटोप्स के सेम है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी, तो हम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये भी सेम होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो चूंकि आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन भी सेम होगी, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। और स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहीं से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी एक हो जाएगा, मैं बाद में रिपीट भी कर दूंगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर उन जिन एलिमेंट्स की पोजीशन सेम होती है या सेम ग्रुप के अंदर आ रहे होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। या एक और रीजन भी आपको यहां से बता देता हूं, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसी स्पीशीज जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो चूंकि इन आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है तो जितने भी एक एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ये भी सेम होती हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग वो डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इनकी, जहाँ से अनवर्ट में वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करूँगा जो डिफरेंट हैं। अब क्या चीज़ डिफरेंट हो सकती है? इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो हैं ये डिफरेंट होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन चूंकि डिफरेंट हैं तो सो इनका मास नंबर भी डिफरेंट होंगे, और इसी बेस पे इसकी डेफिनेशन हमने बनाई थी, तो इनका मास नंबर, मास नंबर ये भी डिफरेंट होता है, और इसी बेस पे हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन बनाई है। डियर स्टूडेंट्स, मास नंबर डिफरेंट है तो फिजिकल, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, लाइक डेंसिटी, लाइक रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन एंड अदर प्रॉपर्टीज जो कि
मैस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, वो तमाम प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपन मैस वो भी डिफरेंट होंगी, लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन मैस, ये भी डिफरेंट होती है। और स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज का एमसीक्यू बनेगा, यहां से इसको देखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये एमसीक्यू होगा और उसका आंसर यही होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन मैस वो जो है किसी भी आइसोटोप के लिए डिफरेंट होती है। फिर यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं। तो अभी हम लोगों ने ये बात भी डिस्कस कर ली है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है मैस नंबर। तो मैस नंबर डिफरेंट होता है, तो मैस नंबर डिफरेंट होने की वजह से वो प्रॉपर्टीज जो मैस के ऊपर डिपेंड करती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, और ये भी यहाँ पे हमने एड्रेस कर लिया, मैंने रिपीट भी कर दिया। एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये यहाँ से, ये यहाँ से देखिएगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, व्हाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं कि दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, अगर इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इनकी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ये ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स है। इससे आगे हम इनकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, इसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स है क्या। तो स्टूडेंट्स, इट इज नेचुरल परसेंटेज अकरेंस ऑफ आइसोटोप, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। यानी हम लोग ये देखते हैं, फर्ज किया हमारे पास एक या एक से ज़्यादा आइसोटोप्स मौजूद हैं, तो कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट नेचुरली एग्जिस्ट करता है। हम बाय नेचर उसका सैंपल लेंगे और उन दोनों आइसोटोप्स की हम परसेंटेज निकालेंगे, और हमें पता चलेगा कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है। तो जो उसकी परसेंटेज आएगी एक सैंपल में से, दैट परसेंटेज ऑफ दैट आइसोटोप विल बी कॉल्ड एज इट्स रिलेटिव अबंडेंस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, दो नेचुरल आइसोटोप्स हैं इसकी। एक हमारे पास ये ड्यूट्रियम है जिसमें जिसका एटॉमिक मास नंबर 1 था, और दूसरा हमारे पास एक प्रोटियम है, एक ड्यूट्रियम है जिसका एटॉमिक मास नंबर 2 था। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, एटॉमिक नंबर तो दोनों का सब सेम है। इसकी जो परसेंटेज अकरेंस है ये है 99.985%, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस है। इसी तरह इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है दैट इज 0.015% ये एग्जिस्ट करता है, तो इसकी ये रिलेटिव अबंडेंस है। ये दोनों नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इनका थर्ड जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप जो है ये डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए डिफरेंट होती है। हर एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनकी डिफरेंट है, और उनकी अपनी एक पर्सनल नेचुरल एग्जिस्टेंस होती है, नेचुरल उसकी परसेंटेज मौजूद होती है। तो ये बहुत एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स काम है, लेकिन हम अगर चल करके देखते हैं कि ये हमें रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स जो है हम मेजर कैसे करते हैं। तो एक टेक्निक है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, मैस आगे चल करके हम इसको डिस्कस भी करेंगे, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स
और उसके साथ साथ रिलेटिव एटॉमिक मैसेस ऑफ द आइसोटोप्स जो हैं वो मैयर करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हमें दो चीज़ों के बारे में बता देती है, एक तो हमें ये बताती है रिलेटिव अबंडेंस, इसके बारे में बता देती है, और दूसरा हमें ये बताती है एटॉमिक मैसेस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में बता देती है। थर्ड, अगर आप लोग यहाँ पे बात करना चाहें तो नंबर ऑफ आइसोटोप भी इसी से हम मालूम कर लेते हैं, जो कि आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ आइसोटोप्स के किस एलिमेंट के पास कितने आइसोटोप्स हैं। तो नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी हमें इसी मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की टेक्निक के मदद से मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक और बात हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जितने भी हमारे पास इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये कम्प्लेक्स होती है, आइसोटोप्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कॉम्प्लेक्स है। ये हमें कोई एक हमारे पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है कि हम ये देख सकें कि किस तरह से इनकी परसेंटेज आइसोटोप्स की परसेंटेज किस तरह से एग्जिस्ट करती है या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये तो कॉम्प्लेक्स है और ये मुश्किल है, बट हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं जिससे हमें कुछ जो है अंदाज़ा हो जाता है कि किस एलिमेंट के आइसोटोप्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे और कौन से एलिमेंट्स के आइसोटोप्स जो हैं वो कम होंगे। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो हम फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, उन फैक्ट्स से हमें कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर हैव टू मैक्सिमम आइसोटोप्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है उनके आइसोटोप्स मैक्सिमम दो होते हैं, मोस्टली तो वन ही होता है, और लेकिन ज्यादातर जो है उनका ज्यादातर तो वन ही होता है, बट चंद एक जो है उनके पास मैक्सिमम टू आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर आगे चल करके हम ये बात देखते हैं, एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर हैव मैनी आइसोटोप्स। अब इवन एटॉमिक नंबर वालों में अगर हम इवन एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं तो एलिमेंट्स दैट हैव एटॉमिक नंबर 4 आर मल्टीपल ऑफ 4 ऑफ 4 हैव अबंडेंट आइसोटोप्स। मैं आपको इसमें दो तीन एलिमेंट्स की एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है, 8 जो कि 4 का मल्टीपल है, 4 2 times 8। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। इस तरह हमारे पास सिलिकॉन है, इसका 28 है। इस तरह हमारे पास कैल्शियम है 40। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, सॉरी इसका मैस नंबर 20 है और इसका मैस नंबर 40 है।
तो ये इनके जो एटॉमिक मास नंबर या ये जो है ये फोर का मल्टीपल है। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तकरीबन हमारी अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं, इतने अबंडेंट हैं, 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट ये बनाते हैं, ये फैक्ट है इनके बारे में। फिर एक चीज़ और भी नोट करने वाली है कि हमारे पास टोटल जो एग्जिस्ट करते हैं आइसोटोप्स, टोटल जो नेचुरल आइसोटोप्स हैं उनकी तादाद 280 है। 280 आइसोटोप्स जो हैं ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटोप्स आर नेचुरल। इस 240 में से, इस 280 में से 40 जो हैं वो हमारे रेडियो एक्टिव हैं और बाकी 240 हमारे जो इसमें से रिमेनिंग है वो स्टेबल हैं। इसके अलावा 300 आर्टिफिशियल भी साइंटिस्ट ने बना ली है, 300 आर्टिफिशियल। और स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, इस 280 जो हमारे नेचुरल आइसोटोप्स हैं इनमें से 145 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों जो हैं वो इवन होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने आइसोटोप्स के बारे में यहाँ डिस्कस किए हैं।